हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सी सेट प्रीवियस ईयर की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग में हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। मैं कहती हूँ कि देखो, सी सेट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हमें सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। पहले सेलेक्टिवली आप देख लीजिए कि हाँ जी कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से ऑर्डर एंड रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2015 के अंदर 4 क्वेश्चंस थे ऑर्डर एंड रैंकिंग के। हाँ जी, पूरे 4 क्वेश्चंस किसके हैं? ऑर्डर एंड रैंकिंग के। 2016 में 3 क्वेश्चंस थे, 2017 में 2 क्वेश्चन थे, 2018 में 1 क्वेश्चन था, 19 में अगेन 4 क्वेश्चन थे एंड 2020 के अंदर आपके पास में 2 क्वेश्चंस थे, किसमें से? ऑर्डर एंड रैंकिंग। क्वेश्चन आ जाता है आपका, ऑर्डर पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है और रैंकिंग के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ऑर्डर दैट मींस कि जो हमारे पास में स्पेसिफिक वैल्यूज दी हुई हैं उनको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाना है और उसके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। रैंकिंग मीन्स कि आपके पास पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन की एक रो है, रो के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की आपके पास में पोजिशन गिवन होगी और आपके उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि हाँ जी दूसरे पर्सन की पोजिशन क्या है या दो लोग हैं उनके बीच में कितने लोग हैं, इस तरह से कुछ भी आपके पास क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ ज्यादा नहीं करना आपने, ठीक है। अब जैसे अभी है, आज की क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथ में एक 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है, टेस्ट जस्ट बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके बाद में आप एक तरह से आपको पता चल जाएगा कितना आपका टॉपिक प्रिपेयर है। अगर फिर भी टॉपिक में प्रिपेयर कोई भी आपको लग रहा है कि हाँ जी है डाउट, तो टॉपिक का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप कंप्लीट टॉपिक भी समझ सकते हो, क्लियर। हाँ जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2015 के अंदर आया था। 2015 का क्वेश्चन है, क्या है? अब देखो, जब आपके पास में ऑर्डरिंग बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इजी है। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती है, ठीक है, यू विल मेक द ऑर्डर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डर देयर कैन बी 2 or 3 क्वेश्चंस इन द एग्जाम, ओके। जैसे यहीं पे है, यहाँ पे कह रहा है कि जो पैसेज गिवन है उसके अंदर 2 क्वेश्चन उस पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो जैसे यहीं पे क्या है, ए बी सी डी ई एफ आर कजन्स, देयर आर 5-6 पर्संस ए बी सी डी ई एफ एंड दे आर कजन्स, नो 2 कजन्स आर ऑफ सेम एज, सेम एज नहीं है, बट ऑल हैव बर्थडेज ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ, द यंगेस्ट इज 17 ईयर्स ओल्ड एंड ओल्डेस्ट इज 22 ईयर्स ओल्ड। अब देखो, यंगेस्ट 17 का है, जो ओल्डेस्ट है वो 22 का, दैट मीन्स कि किसी की भी एज सेम नहीं है, तो कितने कितने का गैप हो गया, सभी में एक एक साल का गैप हो गया। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ई जो है दैट इज ऑफ 22 ईयर्स और जो यंगेस्ट है वो 17 ईयर्स का है, दैट मीन्स कि यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, देयर आर टोटल 6, तो ये कितने का हो गया, ये 17 का है, ठीक है ना। तो ये हो गया 21, 20, 19 एंड 18, सिंपल, ओके। आगे गिवन है आपके पास में एफ इज समवेयर बिटवीन, एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी, जो एफ है वो बी और डी के बीच में है, ऐसे भी हो सकता है, या पे बी हो या फिर डी हो, अगर यहां पे बी होगा तो यहां पे डी हो जाएगा, यहां पे डी होगा तो यहां पे बी हो जाएगा, ओके। और क्या गिवन है, ए इज ओल्डर देन बी, ए इज ओल्डर देन बी, सी इज ओल्डर देन डी, सी इज ओल्डर देन डी, ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, ए जो है वो 1 ईयर ओल्डर है किससे, सी से, दैट मीन्स कि हमारे जो सीक्वेंस है वो कैसे बनेगी, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। उसके बाद आपके पास में यहाँ पे एक साल का फर्क है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी, यहाँ पे ना ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, ओके। अब उसके बाद में हमें पता है कि जो ए है दैट इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है, और सी जो है दैट इज ग्रेटर देन डी, दैट मीन्स कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड डी बोथ, दोनों से ही बड़ा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास में बी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, क्लियर। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि बी और डी के बीच में क्या है, एफ है, ये हमने यहाँ पे देखा ही है, दैट मीन्स कि फिर कौन आएगा आपके पास, एफ और फिर बी एंड डी, और स्टार्टिंग में उसने कहा ये कौन है, ई है, दिस इज योर सीक्वेंस,
ओके क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है। तो अब हमारे पास में यहाँ पे जो सीक्वेंस बनी है, सीक्वेंस क्या है, ए सी बी डी एफ एंड बी और डी। ओके ये सीक्वेंस हमारे पास बनी है। क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल, क्या पॉसिबल है। डी इज ऑफ 20 इयर्स, अब यहाँ पे देखो जो डी है, डी मे बी ऑफ 19 इयर्स और 17 इयर्स, दैट मींस कि फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड है आपके पास एफ इज 18 इयर्स ओल्ड। एफ देखिए, एफ अगर हम देखें तो एफ कहां पे जा रहा है, 18, दोनों यहाँ हेयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक के अंदर यहाँ पे बी आ जाएगा और एक डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे डी आ गया और यहाँ पे बी आ गया, बट इन बोथ द केसेस एफ तो सेम पोजिशन पे है, ठीक है, और एफ की एज कितनी आ रही है आपके पास में, 18, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल था, देखो क्या करना है आपने, जैसे भी गिवन है, ग्रेटर है तो उसको ग्रेटर की साइड लिख लो, स्मॉलर है तो स्मॉलर की साइड, सिंपल। नाउ द सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सीक्वेंस इज व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ऑल द सिक्स कजन इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग एज। अगर इंक्रीजिंग एज की सीक्वेंस में अगर हम देखें तो कह रहा है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हमने किया कि अगर हम इंक्रीजिंग, ये तो डिक्रीजिंग बनाया हमने, सबसे बड़ा ये है, ठीक। अगर हम इंक्रीजिंग में भी देखें तो क्या आएगा, या तो क्या बनेगा आपके पास में बी एफ डी सी ए ई एंड द सेकेंड वन विल बी डी एफ बी सी ए ई, सो देयर आर टू पॉसिबल ऑर्डर्स, सो आंसर विल बी टू। ओके एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, तो दोनों बिल्कुल सिंपल थे, तो 15 के अंदर दो क्वेश्चन तो यही हो गए सिंपल आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना आपका 2015 का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कह रहा उषा रन्स फास्टर देन कमला, उषा रन्स फास्टर, यहां भी जो आपके पास में फास्टर ग्रेटर इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, दैट मींस कि अपने पास में क्या है, ग्रेटर है ना, क्लियर। क्या कह रहा है, उषा इज फास्टर देन कमला, प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति, प्रीति रन्स स्लोअर, स्लोअर कह रहा है किससे, स्वाति से, ठीक है, एंड स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला, कमला आ गया, ठीक है। अब कमला का कंपैरिजन हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है किससे, उषा से, कि कमला इज स्लोअर देन उषा, दैट मींस कमला इज स्लोअर देन उषा। अगर उषा जो है दैट इज फास्टर देन कमला, दैट मींस कमला स्लोअर हो गई, सिंपल सी बात है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, हु इज द स्लोवेस्ट रनर, सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट रनर कौन है, तो स्लोवेस्ट रनर कौन है यहाँ पे अपने पास में, हाँ जी यहाँ पे सॉरी उषा है, दिस इज नॉट एस, उषा का एस नहीं है, उषा का यू लिया है हमने, क्लियर। तो अब यहाँ पे थोड़ा नेम का देख लेना, प्रीति यहाँ पे ये है, प्रीति स्वाति कमला एंड उषा। अब यहाँ पे जो फास्टेस्ट अगर पूछते तो फास्टेस्ट कौन है, उषा, स्लोवेस्ट कौन है, प्रीति, सो द आंसर इज प्रीति। ओके देखो कितना सिंपल है, तो ऑर्डर एंड रीजनिंग तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए, दो से तीन क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, क्या है, फर्स्ट है आपके पास लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज, लेडी फिंगर टेस्टियर है किससे, कैबेज से। तो यहां पर देखिए लेडी फिंगर क्या कह रहा है, टेस्टियर है, टेस्टियर है दैट मींस कि ग्रेटर, उसके हायर बता रहा वो, ठीक है, किससे, कैबेज से। ओके आगे आपके पास में कि कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडी फिंगर, अब लेडी फिंगर के साथ में कंपेयर करना है, तो जिसके साथ कंपेयर करना है तो उसके सामने देखो कि आप यहां पे कहां पे इसको प्लेस कर सकते हो, तो कॉलीफ्लावर टेस्टी है किससे, लेडी फिंगर से, लेडी फिंगर यहाँ पे, तो इससे भी टेस्टी है को, क्या है, कॉलीफ्लावर, यही गिवन है। ओके अब आगे क्या गिवन है, कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीज, कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन, यहां पे क्या कह रहा है, पीज, पीज से टेस्टी नहीं है, दैट मींस व्हाट, कि इससे क्या हम निकाल के सकते हैं कि जो या तो पीज ज्यादा टेस्टी है या पीज
कैबेज के बराबर टेस्टी है, जैसी जितनी टेस्टी कैबेज है उतनी ही टेस्टी पीस है। ये जो स्टेटमेंट है ये काफी कंफ्यूज करने वाली है स्टूडेंट्स को। अब अगर आप मान लो इंटरनेट पे भी चेक करते हो तो कहीं पे आपके पास में इसकी वजह से आपके आंसर आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे उसने कहा नॉट टेस्टियर देन, ज्यादा टेस्टी नहीं है। दैट मीन्स कि या तो उससे इक्वल टेस्टी है, ठीक है ना। नॉट टेस्टियर कह रहा है ना कि ज्यादा टेस्टी नहीं है, या तो उससे इक्वल टेस्टी है या उससे कम टेस्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कैबेज है, कैबेज के लिए उसने क्या कहा कि कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीज। नॉट टेस्टियर देन पीज मीन्स या तो इससे कैबेज जो है वो कम टेस्टी है या फिर इक्वल है किससे, पीज से। हाँ जी, पॉइंट इज क्लियर। ये जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आप अगर इस नेट पे चेक करते हो तो अलग अलग आंसर मिलेंगे इससे रिगार्डिंग आपको, ठीक है। तो कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे तो आपके पास में वेजिटेबल्स नेम है, वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन लेस देन के अंदर क्या है। अगर नॉट ग्रेटर देन कह रहा है, नॉट लेस देन कह रहा है, तो हमें समझना है कि अगर मान लो कह रहा है नॉट ग्रेटर देन, पॉइंट को समझो, नॉट ग्रेटर देन दैट मीन्स की लेस देन और इक्वल टू, नॉट लेस देन दैट मीन्स की ग्रेटर देन और इक्वल टू। पॉइंट इज क्लियर, ओके। तो अब जल्दी से यहाँ पे देखते हैं कि क्या गिवन है आपको। कह रहा है कि द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज पीज आर एज टेस्टी एज लेडी फिंगर। देखो ये लेडी फिंगर है, ये पीज है, तो यहाँ पे हमें पता है जो पीज है दैट इज टेस्टियर देन केबेज, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वैसे भी जब भी आपके पास ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं या इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उस केस में आप देख लो कि जैसे आपके सिंबल्स जा रहे हैं ना सीरियल वाइज, ठीक है, तो जहां पे भी अपोजिट सिंबल हो गया ना तो वहां पर कोई कंपेरिजन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कॉलीफ्लावर और पीज, इसके बीच में हम कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते। कोई भी अगर आपके पास इसके ऊपर स्टेटमेंट आएगी तो आपको उसको रॉन्ग करना है, ठीक है। लेडी फिंगर और पीज, इसका साइन इधर है, इसका साइन इधर है, अगेन यू कांट कंपेयर दीज टू, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो क्या है, पीज आर टेस्टी एज कॉलीफ्लावर एंड लेडी फिंगर। यहां पे कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर के साथ पीज को कंपेयर कर रहा है, बट यहां पे मैंने अभी क्या बताया कि इसका क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल, और इधर क्या है, लेस देन का। जब भी इस तरह अपोजिट सिंबल आते हैं यू कांट कंपेयर दीज टू वैल्यूज, तो ये भी क्या हो गया अपने पास में, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगला अपना, कैबेज इज लीस्ट टेस्टी ऑफ ऑल फोर वेजिटेबल्स। कह रहे कैबेज सबसे कम टेस्टी है। अब यहाँ पे कैबेज और पीज के बीच में इक्वल का भी तो साइन आ रहा है, देन हाउ कैन यू से कि कैबेज सबसे कम टेस्टी है चारों में से, नहीं कह सकते। दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग है, ध्यान रखना। अब कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज। अब देखो कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडी फिंगर एंड लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज, दैट मीन्स कि कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। 2015 में क्वेश्चन आया था, नाउ इन 2021 वी कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है, 2016 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास कि इधर ए एंड बी आर सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी, या तो ए और बी बराबर है, ठीक है, या फिर ए इज ओल्डर देन बी। तो जब भी इस तरह से आता है तो आप साइन क्या यूज कर सकते हो, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ओके। दूसरा पॉइंट है, सी इज इधर, सी एंड डी आर इधर सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी, डी इज ओल्डर देन सी, ये कह रहा है यहां पे, और यहां पे क्या कह रहा है, इक्वल, सी और डी इक्वल है, तो ये हमने इस तरह से ले लिया, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डी बी इज ओल्डर देन सी, बी इज ओल्डर देन सी। अब यहां पे ये बी है, इसके साथ में हम यहां पे लगा सकते हैं कि बी इज ओल्डर देन सी। अब यहां पे सी के साथ में हमने यहां पे रिलेशन गिवन है हमारे पास में, डी इज लेस देन इक्वल टू सी, दैट मीन्स की सी इज लेस देन इक्वल टू डी, ठीक है। यहाँ पे देखो डी ग्रेटर देन है ना, अगर डी ओल्डर है सी क्या हो गया फिर आपके पास में स्मॉल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी इज लेस देन इक्वल टू डी। पॉइंट इज क्लियर, हाँ जी। देखो यहाँ पे क्या है, डी इज ओल्डर देन सी,
ठीक है। डी ओल्डर है दैट मीन्स कि सी क्या है यंगेस्ट है, यंगर है, यंगर है दैट मीन्स कि यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा कि स्मॉलर, सी इज लेस देन है, सी इज डी इज यंगर देन सी इज लेस देन, सॉरी लेस देन है, साइन गलत लग गया गलती से, सी लेस देन आएगा। पॉइंट इज क्लियर, डी ग्रेटर है, डी ओल्डर है दैट मीन्स कि सी यंगर है, तो सी यंगर है या फिर इक्वल है किसकी डी के। नाउ द कंक्लूजन आर ए इज ओल्डर देन बी, यहां पे देख रहे हो ए इज ओल्डर देन बी, बट इक्वल भी तो हो सकता है, हम पूरा कंक्लूजन ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ग्रेटर ही होगा, दिस कैन बी इक्वल, सो दिस इज रॉन्ग। बी एंड डी आर ऑफ सेम एज, बी एंड डी, बी और डी कह रहा है कि सेम एज के, अगेन वी कांट कंपेयर बिकॉज अपोजिट साइंस आर देयर, तो ये भी आपके पास में रॉन्ग हो गया। डी इज ओल्डर देन सी, अब यहाँ पे डी ये है आपके पास में, ओल्डर देन सी कह रहा है, अब डी इज ओल्डर एंड इक्वल का भी तो साइन है, यहाँ पे इक्वल भी तो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वलिटी, दैट मींस कि दिस इज अगेन रॉन्ग। ए इज ओल्डर देन सी, अब देखो ए और सी के बीच में अगर हम देखें तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दैट मींस कि ए इज ग्रेटर देन सी। ओके, हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमारे पास में प्रायोरिटी आ जाती है, दिस इज हायर प्रायोरिटी, लेस प्रायोरिटी एंड इसकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है, सेम वे लेस। ओके क्लियर, हां जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 2016 का क्या है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट वेयर नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस देन ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है ट्वाइस है दैट ऑफ बॉयज, बॉयज से ट्वाइस है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है हमारे पास में 60, ठीक है। अब गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स क्या है ट्वाइस है बॉयज की, टोटल कितना है आपके पास में 60, तो कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 20, यहाँ पे अगर मैं टोटल करूँ तो हो गया 3 इज इक्वल टू 20, 60, तो यहाँ पे आपके पास में 1 की वैल्यू क्या हो गई 20, तो बॉयज कितने हैं 20 हैं और गर्ल्स कितने आ गई 40, क्लियर। ये गर्ल्स है, ये आपके पास बॉयज, ये सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास में गर्ल्स कितनी हैं, हाँ जी गर्ल्स कितनी हैं 40 और बॉयज कितने हैं हमारे पास में 20। नाउ गिवन दैट कमल ए बॉय रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप, अगर हम देखें तो कह रहा है कि टॉप से, अगर ये है टॉप अपने पास में, तो टॉप से क्या है 17th पोजीशन है किसकी कमल के। If there are 9 girls ahead of Kamal, Kamal से पहले 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं Kamal से पहले, तो 9 तो girls आ गए आपके पास में, 9 और यहाँ पे देखो 7 क्या आगे boys आगे, 17th पोजिशन पे Kamal है, Kamal से पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 16 हो गए, 9 girls है तो 7 boys हो गए, अब 7 boys और 8वां Kamal क्या है, Kamal भी boy है। अब क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ बॉयज रैंक आफ्टर हिम, इसके बाद में कितने हैं, तो इसके बाद में कितने हैं, यहां तक कमल एक तो हो गया कमल, ठीक है, प्लस 7 बॉयज पहले के, दैट मींस कि 8 बॉयज तो यहां तक हो गए, टोटल कितने हैं 20 बॉयज है, 20 के अंदर से 8 अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में कितना आ गया 20 - 8, दैट मींस कि देयर विल बी 12 बॉयज आफ्टर कमल, कमल के बाद कितने बॉयज हैं 12 बॉयज हैं, सो आंसर विल बी बी 12। ओके क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम, यहां से फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है एक पर्सन, ओके ऑफ द लैडर, इफ ही हैज टू क्लाइम 4 मोर स्टेप्स टू रीच एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ द स्टेप, बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है 4 स्टेप और चढ़ा, 1 2 3 4, ठीक है, कहां पे पहुंच गया 5th पे पहुंच गया फर्स्ट से, तो ये यहां पे कहां पे है, कह रहा है ही इज मिडल, ओके मिडल है, दैट मींस कि 4 इससे नीचे 4 ही इससे ऊपर होंगी, तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी होगी, भाई 5th ये है, 4 यहां पे नीचे, 4 यहां पे ये है, 1 ये खुद है, तो टोटल कितना हो गया 9 स्टेप्स, सो आंसर विल बी देयर आर टोटल 9 स्टेप्स इन द लैडर, सिंपल क्वेश्चन था। तो अब आप देख रहे हो खुद ही कि हाँ जी ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर से इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिनको आप इजीली समझ सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 15 क्वेश्चंस
15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 52. एक क्लास है 2017 का क्वेश्चन है. क्लास के अंदर टोटल 52 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, 52 के अंदर से 15 फेल हो गए. दैट मीन्स कि आपके पास में 37 स्टूडेंट्स कौन से हैं जो पास हुए हैं. ओके, नाउ गिवन दैट आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड स्टूडेंट का हमने नाम रिमूव कर दिया है फ्रॉम द मेरिट ऑर्डर लिस्ट, हैज बीन प्रिपेयर्ड इन विच द पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd फ्रॉम द टॉप. रमेश है जिसकी टॉप से पोजीशन क्या है, 22nd है. टॉप से उसकी पोजीशन कितनी है, 22nd पोजीशन है रमेश की. एंड वी नो दैट टोटल आफ्टर रिमूविंग द फेल्ड स्टूडेंट वी हैव 37 स्टूडेंट्स. दैट मीन्स कि इधर कितने स्टूडेंट आएंगे आपके पास में. हाँ जी, तो इधर कितने स्टूडेंट हो गए, इसको हम माइनस कर देंगे. फ्रॉम बॉटम अगर हम देखें तो हमें यहां पे पता है 37 माइनस 22, दैट मीन्स व्हाट, कि ये कितना हो गया आपके पास में, 15 हो गया. अब 15 स्टूडेंट इधर है, क्लियर, 21 स्टूडेंट इधर है और 22nd पोजीशन पे ये खुद है. तो अब उसने कहा है कि पोजीशन बताने, अगर यहां पे अपने पास में क्वेश्चन होता कि हां जी बॉटम से कितने स्टूडेंट्स हैं, इसके बाद बॉटम में कितने स्टूडेंट है, तो हम कहते 15. बट उसने कहा कि पोजीशन 15 बच्चे यहां है. दैट मीन्स कि अगर हम बॉटम से देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, +1, दैट मीन्स 16th पोजीशन हो जाएगा. हम ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द पोजिशन, इन दैट केस आपके पास में वन साइडेड जो पोजिशन गिवन है टोटल गिवन है. इन दैट केस क्या करेंगे कि टोटल, अगर आपको पोजिशन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, पोजिशन फ्रॉम बॉटम क्या करेंगे, टोटल माइनस पोजिशन फ्रॉम टॉप +1. ओके, बस ये ध्यान रखना है, जब भी पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो 1 ऐड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो डायरेक्टली आप माइनस कर दोगे. ओके, क्लियर. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का है अगेन. इन ए टेस्ट रणधीर ऑब्टेंड मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय कुणाल एंड देबू. रणधीर गेट्स मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय कुणाल एंड देबू. ये गिवन है आपके पास. द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय कुणाल एंड शंकर, कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर. कह रहे इससे ये इसका ज्यादा है. ठीक है, अब आगे क्या गिवन है, सोनल ऑब्टेंड मोर मार्क्स देन शंकर. सोनल के ग्रेटर मार्क्स है किससे, शंकर. नेहा ऑब्टेंड मोर मार्क्स देन रणधीर. नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रणधीर. ठीक है, दिस आर इज फॉर रणधीर एंड दिस एस इज फॉर शंकर. ओके, अब यहां पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं. अब यहां पे देखो कि यहां पे इनका कंपैरिजन दे रखा है, तो अगर मान लो मैं कुणाल को हटा देती हूं यहां से, ठीक है, देन वी कैन कंपेयर देबू एंड शंकर. सिर्फ हम देबू और शंकर को ही कंपेयर कर सकते हैं, और यहां पे आपके पास कंपैरिजन है सोनल और शंकर का, नेहा और रणधीर का. तो अब देखो यहां से कहीं से भी हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, नहीं फाइंड आउट कर सकते. देखो यहां से हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. अब कुणाल का हमें नहीं पता, क्या पता कुणाल के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं. ठीक है, अब यहां से हम सोनल और शंकर को तो कंपेयर कर लेंगे, बट यहां से हम ये नहीं पता कर सकते कि रणधीर के क्या पता सबसे ज्यादा मार्क्स हो. पॉइंट इज क्लियर. तो यहां पे आपके पास में आंसर क्या आएगा, डाटा आर इनएडिक्वेट. क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2017 का क्वेश्चन है. ए इज लेस फास्ट देन बी. ए इज लेस फास्ट कह रहा है. अब यहां पे होता है ए इज फास्टर देन बी, तो हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं. यहां पे क्या कह रहा है, ए इज लेस फास्ट देन बी, लेस फास्ट है तो यहां पे आ गया ए इज लेस देन बी. बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी,
नॉट फास्टर देन सी। दैट मीन्स क्या हो गया कि जो बी है वो फास्ट है बट सी से फास्ट नहीं है, दैट मीन्स कि सी से क्या है वो स्लोअर है। ठीक है, नॉट फास्टर कह रहा है कि फास्ट है बट नॉट फास्टर देन सी, ग्रेटर देन नहीं है, फास्टर नहीं है। बी इज नॉट फास्टर देन सी, दैट मीन्स कि बी इज लेस देन इक्वल टू सी। ओके, देन कंपेयर टू ए, अब यहां पे एज कंपेयर टू ए कह रहा है, यहां पे कह रहा है बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, देन कंपेयर टू ए सी रन्स, सी को हमने कंपेयर करना है किससे, ए से। तो अब देखो सी क्या है, फास्टर है। हाँ जी, आप बताओ यहाँ पे सी जो है वो स्लोअर है या फास्टर है ए से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए स्लोअर है सी से, ए अगर स्लोअर है सी से दैट मीन्स व्हाट। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास में क्या आया है, ए इज स्लोअर देन सी, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, सी इज फास्टर देन ए। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपेयर टू सी सी रन, सी रन यहाँ पे क्या है, स्लोअर देन ए फास्टर देन ए, तो क्या आएगा, फास्टर देन ए। ओके क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का, हो गया आपका 2017 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखो, कह रहा फोर टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर टू बी कंडक्टेड ऑन फोर कंसेक्यूटिव डेट्स। चार टेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। कह रहा जो फिजिक्स का टेस्ट है वो पहले हुआ है, फिजिक्स का टेस्ट क्या है, पहले हुआ है किससे, आफ्टर द टेस्ट, फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी के बाद में है, उससे फिजिक्स का क्या है, पहले है। क्लियर, आगे केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर टू टेस्ट आर हेल्ड, केमिस्ट्री दो टेस्ट के बाद में, ये पॉइंट हमें क्लियर है, दैट मींस कि टोटल हमारे पास में चार टेस्ट है, केमिस्ट्री दो टेस्ट होने के बाद में यहां पे केमिस्ट्री है। ठीक है जी, अब केमिस्ट्री यहां पे आ गया, तो अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स इससे पहले हुआ है, फिजिक्स का जो टेस्ट है दैट इज, यहां पे अब स्टेटमेंट पे दोबारा, फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी के बाद में कंडक्ट हुआ है, बायोलॉजी के बाद में कंडक्ट हुआ है, दैट मींस कि बायोलॉजी के बाद में केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के बाद में एक टेस्ट और आएगा, दैट मींस कि यहां पे क्या आ गई, बायोलॉजी, तो यहां पे कौन सा हो गया, रह गया हमारे पास में रिमेनिंग वन, रिमेनिंग क्या है, मैथमेटिक्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास में कि जो लास्ट में क्या है, मैथमेटिक्स, विच इज लास्ट टेस्ट हेल्ड, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, मैथमेटिक्स। ओके क्लियर है बिल्कुल सभी को, तो देखो 2017 तक के जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑर्डर एंड रैंकिंग ही हम डिस्कस करेंगे, और ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर फर्दर आपके 18, 19, 20 के अंदर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जिसने फ्री वार्म अप कोर्स जो हमारा ये फ्री है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो इसके अंदर 37 लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरा प्रीवियस ईयर का 6 ईयर्स का जितने भी क्वेश्चन है वो हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज, सो दैट कि हमारा टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, करवाने को तो हम ऐसे भी करवा सकते थे आपको कि भाई पहले 2015 का डिस्कस कर रहे थे, फिर 16 का, 17 का, बट इस तरह से हमारा टॉपिक नहीं प्रिपेयर हो सकता, तो हमने क्या किया है कि हर 2015 से 2020 तक जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उनको हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सी सेट, तो आप उसको रजिस्टर करते हो तो आपको सारे के सारे लेक्चर एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएंगे विद पीडीएफ एंड टेस्ट। अब जैसे अभी ये है, आपने आज की क्लास देखी, क्लास के बाद में अब हम क्या करेंगे कि हाँ जी अब हमने देखना है कि हमें कितना आता है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करोगे आप, साथ में ही टेस्ट अवेलेबल है, आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ जी 20 क्वेश्चन के टेस्ट के अंदर से आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो फॉर द सेम टॉपिक।
ओके सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने प्रीवियस ईयर कोर्स को अभी तक रजिस्टर नहीं किया रजिस्टर कर लीजिए, वहाँ पे आपको एक जो क्लास है सेम लेक्चर अवेलेबल होगा, उसके साथ में ही आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी और एक टेस्ट भी अवेलेबल है सो दैट यू कैन चेक योर सेल्फ। ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस टेस्ट के अंदर आप कम स्कोर कर पा रहे हो, अभी आपको और प्रिपरेशन की जरूरत है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का लिंक भी अवेलेबल है, माइक्रो कोर्स का टॉपिक का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप सिर्फ इस टॉपिक को भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी पीडिया के अंदर एक ही सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना है देन यू कैन प्रिपेयर दैट टॉपिक ओनली। ओके सो थैंक यू सो मच, इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सेम टॉपिक के साथ।